इतने लोगों को रिसेप्शन के नाम पर बुलाने के बाद भी रिसेप्शन नहीं रखा, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? उस घर में उनके दामाद जो कहते हैं वही आखिरी फैसला होता है। बिना मुहूर्त के दामाद जी के साथ नहीं खड़े हो सकते। देखो बेटी, गुस्सा मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दुखी मत हो। गणेश हर बात के लिए अपना सर हिला रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। सब लोग अपनी मर्जी का कर रहे हैं। उसको इतना दबा कर रखा है बहनों के डोमिनेशन की वजह से, ये कठपुतली बन गया है। शुरू से ही इनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते आए हैं ये लोग। कीर्तना के जाने के बाद जीजा जी में हिम्मत आएगी। वहाँ तो औरतों का राज चलता है, जो माँ और बेटियाँ कहती हैं वही होता है। गणेश को कहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी के मामले में नहीं घुसते हैं। लड़कियों का राज चलता है तो कीर्तना के लिए अच्छा है ना? नहीं, जहाँ माँ और बेटियों का अधिकार चलता है ना, वहाँ उनकी बहू को एक फ्यूज बल्ब की तरह ही रखा जाता है। पांचाली को मोहरा बनाकर जुआ खेले थे धर्मराज, क्योंकि वो गुलाम थे, उसको वो बचा नहीं सके। गुलाम को दूसरों के बारे में बात करने का अधिकार होता है? इसका मतलब ऐसा नहीं है बेटा। जिस घर में आदमी स्वतंत्र होकर रहते हैं उस घर में कभी औरतों को परेशानी नहीं होती। मर्द का गुलाम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीवी समझदार हो तो स्वतंत्र कैसे रहना उसे पता है। कीर्तना, तुम क्या झगड़ा करोगी? नहीं माँ, शांत रहकर ही जीतने वाली हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, तुम हमारी बेटी हो, किसी भी तकलीफ के बिना तुम्हें खुशी से जीना है। वो विश्वास है मुझे पापा। ठीक है बेटी, सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ, तुम भी इधर सो जाओ, आप चलिए। क्या जी, कितनी गलत जगह रिश्ता जोड़ दिया है। गणेश अच्छा लड़का है, कीर्तना भी उसको पसंद करके शादी कर रही है ना? वो बात नहीं है, शादी के पहले ही इतना टॉर्चर कर रहे हैं, हमारी बेटी उधर अच्छे से रह पाएगी कि नहीं? अच्छे से रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर किस लिए? सब कुछ अच्छा करने के बाद भी परेशान कर रहे हैं ये लोग, वो सच पता चला तो क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मन में नहीं रख पाई थी इसीलिए कह दिया। Thank you.
नमः ओम पृथ्वीये नमः। ये देकर के रसम पूरी करो। यो पान पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति चंद्रमान पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति। मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी आइएगा, बातें मत करते रहिएगा। क्या दूसरे मुहूर्त के लिए एडवांस लेकर बैठे हो क्या? सारे दिया है तो बात नहीं करनी चाहिए। मुझे साड़ी पहननी आती है तो मैं पहन कर आती हूँ। ये देखो बेटी, लड़के के घर वालों को पहनानी होती है, ये रस्म है, तुम कैसे पहनोगी? मुझे माफ कर दीजिए, कोई और मुझे साड़ी पहनाए और उनके सामने कपड़े बदलना मुझे पसंद नहीं है। लड़के के घर वाले साड़ी पहनाते ये शास्त्र है, हम सब औरतें हैं ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? आपकी बेटी इतना जिद क्यों कर रही है, आप उसे समझाइए ना जरा। इसे बहुत शर्म लगती है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे भी इसी तरह रहती है। वक्त हो रहा है तो मैं पहन कर आती हूँ। जीजा जी, आपने खाना नहीं खाया? अरे मेरे बारे में मत सोचो, पहले अपने एडवोकेट जीजा जी को देखो। अरे वो तो भैया के पास आराम से बैठे हैं। अरे सुनो, वो क्यों तुम्हारे भैया के साथ खड़ा है पता है? क्यों? लड़के को तोहफे में जो कैश मिल रहा है ना, देखना कहीं संभालते संभालते घर लेके ना चले जाए। क्या मेरी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या? ये क्या है माँ, वो हम सबका कैसे अपमान कर रही है देखो। माँ इसको ऐसे मत छोड़ना तुम। ऐसा कुछ नहीं है जी, किसी के अपमान के लिए उसने ऐसा नहीं कहा, थोड़ा शर्माती है इसीलिए बोल दिया। आप थोड़ा समझिए ना प्लीज। क्या समझे हम? शादी के बाद आपकी बेटी गर्भवती होगी तो शर्म से डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, अपने आप ही डिलीवरी करेगी। क्या शमा, गणेश के साथ चक्कर चलाते समय शर्म नहीं आई? ओहो, गणेश अंदर जाकर खुद साड़ी पहनाएगा तो ही पहनेगी क्या साड़ी? ऐसे ही अपनी चलाएगी तो आगे जाने क्या क्या होगा। आओ माँ। भाभी रेडी हो? दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाओ। मांगल्यम तंतुना कंठे बदनामि शुभजे त्वम जीवम शरदः शतम्।